मैं मोहनदास करमचंद गांधी और आप सभी मुझे प्रेम से बापू बुलाते हैं। दांडी यात्रा में मैंने सबके साथ नमक उठाया था अंग्रेजों के शासन के खिलाफ। मैंने लाठी भी उठा रखी है जिसका महत्व मैं अंत में आपको बता दूंगा। 100 साल पहले मैंने एक बात कही थी, अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। लेकिन ये अधूरी बात मैंने कही थी क्योंकि वो वक्त कुछ अलग था। शत्रुता और दुश्मनी की एक सभ्य लक्ष्मण रेखा सबने मान रखी थी। एक दूसरे के शत्रु भी एक दूसरे का कहीं ना कहीं आदर रखते थे, परंतु आज 100 साल के बाद परिस्थितियां गंभीर हो चुकी है। खुद के निहित स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए मनुष्य अपने सारी सीमाएं पार कर चुका है। इसलिए मुझे मेरी कही हुई अधूरी बात आज पूरी करने पड़ रही है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी धर्म है। इसलिए सभी लोगों को मेरा प्रस्ताव है कि इस पूरी बात का आचरण जरूर करें, लेकिन सिर्फ खुद के और अपने प्रियजनों के बचाव के लिए, ना ही किसी को जरा से भी परेशानी हो इस आचरण से। मेरी लाठी का महत्व भी इससे जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ आपको आधार देने के लिए नहीं है, बल्कि आपके बचाव के लिए आप इसका उपयोग जरूर कर सकते हैं। सिर्फ बचाव के लिए, दूसरों को नाहक परेशान करने के लिए नहीं। एक गाल पर तमाचा खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने की बात पर मैं आज भी कायम हूँ। परंतु प्रेम, दया, करुणा और अहिंसा को जुटला कर अगर कोई अन्यायी अपने सारी हदें पार कर रहा हो, तो उस अन्यायी को अपने बचाव के लिए मुंह तोड़ जवाब देना भी आज के दौर में मनुष्य का धर्म है। चलिए चलता हूँ। आपका जीवन सुखमय, शांतिपूर्ण और प्रगतिकारक हो, ये ईश्वर से कामना। नमस्ते।